भाई कैमरा वाले, ओ भाई ये दोनों कैमरा वालों, क्या बोला तूने? जरा इधर उधर आ जाओ, काम कर डिस्टर्ब। ईश्वर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो? ए सुनते नहीं है आप? ईश्वर आ जाइए। चुनाव प्रचार करते देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एक वीडियो बिहार के सीतामढ़ी में दे रहे स्पीच का एक छोटा पार्ट वायरल हो रहा है, जो कि न्यूज 24 के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से साझा किया गया है। वीडियो साझा करते हुए न्यूज 24 ने लिखा है कि रैली के बीच कैमरामैन पर गुस्सा हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। वीडियो बिहार के सीतामढ़ी का बताया जा रहा है, जो कि अब वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो में गौर करें तो गृह मंत्री अमित शाह जी अपनी स्पीच जैसे ही शुरू करते हैं, बीच में कैमरामैन को पुकारने लगते हैं। बोलते हैं कि ये भाई कैमरा वाले भाई, ओ भाई कैमरा वाले भाई, ये दोनों कैमरा वाले जरा इधर उधर आ जाओ, खामखा डिस्टर्ब कर रहे हो, इस ओर आ जाओ भाई, सुनते नहीं हो क्या? है सुनते नहीं है आप इस ओर आ जाइए। अमित शाह जी ये सारी बातें गुस्से में बोलते हैं। इस पर लोगों का कहना है कि ये अपनी झल्लाहट कैमरा मैन पर उतार रहे हैं। फिलहाल न्यूज 24 के एक अकाउंट से वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग अब तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। और राहुल तंवर जी लिखते हैं कि कितना खींचा हुआ रहता है ये आदमी। मैं तो सोचता हूँ कि भाजपा या विपक्ष के सांसद इस आदमी के पास कैसे अपनी बात लेकर जाते होंगे। आखिर ये गृह मंत्री है, ये हमेशा इतने गुस्से में झल्लाया रहता है। ऐसा आदमी इतने बड़े पद पर किसी काम का नहीं साबित हो सकता। पुनीत विज नाम के उजन ने लिखा कि भाजपा वालों को कैमरा से बहुत प्यार है। नदीम राम अली नाम के उजन ने लिखा, बेचारे बहुत परेशान है, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन कैमरे वालों पर निकाल रहे हैं। प्रशांत नाम के उजन लिखते हैं कि देश के गृह मंत्री की भाषा कैसी। SSP नाम के उजन ने लिखा कि लंच पैकेट विद दिहाड़ी एंड पौवा देकर जुटाई गई भीड़, वोट तब्दील नहीं होती, यह पिछले 4 चरणों में देख चुके हैं ना, इसलिए लोगों के ऊपर आने वाला गुस्सा कैमरा मैन पर निकलना स्वाभाविक है, क्योंकि पब्लिक से तो कुछ कह नहीं सकते। ने कहा कि जनता को परेशानी हो रही थी, इसलिए उनके आगे से कैमरामैन को हटाया, इसमें गलत क्या है? इस पर लिखते हैं कि चुनाव हारने के डर से बहुत दुखी। फिलहाल दोस्तों रैली के बीच कैमरामैन पर ऐसा गुस्सा गृह मंत्री जी के बारे में, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट करें। ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।